गुड आफ्टरनून। इस बार मैं बहुत ही स्पेशल लोगों के साथ खड़ी हूँ। जिनके साथ गोल्ड लग चुका है, तो थ्रो बॉल के गोल्ड विजेता एशियन के, देखते हैं उनसे बात करते हैं कुछ। सर आपका नाम? और हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो बहुत ज्यादा ये कोशिश करते हैं कि क्या ये गेम सच में बहुत आगे बढ़ चुका है। तो हमारे पास ये प्रूफ है कि ये इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब मलेशिया, श्रीलंका, गोल्ड मेडल हासिल किया, हमें बहुत प्राउड फील हुआ। जब मैंने कितने ट्रैक सूट तो ऑसम फीलिंग होती थी, बहुत अच्छा लगता था। मीडिया का ट्रैक सूट पहन के आ गया है। सर गोल्ड किन्होंने जीता हुआ है? तो अभी हाल ही में इन्होंने एक सीरीज भी जीता हुआ है, और आप जानना चाहेंगे कि किनके साथ जीता हुआ है, और वो है बता रहे हैं आपको लाइव। श्रीलंका के साथ सीरीज था जिसमें मैं कप्तान था 72 दिन का, और हमने गोल्ड मेडल जीते श्रीलंका को 3-2 से हरा के। गोल्ड मेडल आपने देखा, भारत एक ऐसा देश है जहां पर सोने की चिड़िया तो इन्हें कहा ही जाता है, तो सोना जीतना भी इन्हें खूब आता है। तो हम देखते हैं सोना जीतते हुए इन्हें कैसे फील हो रहा है और कैसे लग रहा है, क्या ये देश का नाम और आगे बढ़ना चाहते हैं। एक छोटी सी गुजारिश वही होगी इन लोगों से कि आप हमारे जो युवा खिलाड़ी हैं इन्हें क्या बताना चाहेंगे कि क्या ये जो जिस प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और जिस तरीके से ये बढ़ रहे हैं, क्या इन्हें और बढ़ना चाहिए या फिर इन्हें पढ़ाई लिखाई की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मैं देखना चाहता हूँ कि एक गोल्ड विनर पढ़ाई और खेलों को कितना तुलना देता है और क्या गेम्स के साथ साथ स्टडी भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरी गेम्स के साथ मेरी मास्टर डिग्री है फिजिकल एजुकेशन में, एमपीएड, तो मैं स्टडी के साथ साथ खेलता भी था। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि दोनों चीज़ों का बैलेंस रखकर हम आगे आए तो ज़्यादा बेटर। मैं तो ये बोल रहा हूँ गेम एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्टडी में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इंडिया में पहले नंबर पर आना, लेकिन गेम एक ऐसी है जितनी प्रैक्टिस करो उतनी आगे बढ़ता जाएगा और इंडिया के लिए बन जाता है, पहचान बन जाती है इंडिया के लिए। सही कहावत तो सुनी होगी आपने, खेलोगे कूदोगे बनोगे खरीदोगे, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब। बट पंजाब के इस टीम देश को रिप्रेजेंट करने में ये कहावत गलत साबित करते हुए ये कहा है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे फिर भी बनोगे नवाब। तो हम देख रहे थे पंजाब टीम से जो एशियन रिप्रेजेंटेटिव है, इंडिया विनर है, गोल्ड विनर है। तो धन्यवाद।